ग्वालियर में भाजपा नेता भीकम खटीक के वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा नेता भीकम खटीक के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले समिति और वार्ड नंबर 33 के भाजपा पार्षद प्रतिनिधि ने शिकायती आवेदन दिया है और कार्यवाही की मांग की है। दरअसल ग्वालियर वार्ड 36 के भाजपा पार्षद भावना कनौजिया के पिता भीकम खटीक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भाजपा नेता भीकम खटीक द्वारा ग्वालियर के भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में भी भीकम खटीक को भाजपा ने नोटिस जारी कर दिया है। वहीं अब कुशवाहा समाज भी भीकम खटीक के खिलाफ लामबंद हो गया है। बुधवार को कुशवाहा समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले जनकल्याण समिति ने ग्वालियर पुलिस से शिकायत की है। समिति अध्यक्ष महेश कुशवाहा ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि कुशवाहा समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने के लिए भीकम खटीक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने आवेदन ये दिया है कि भीकम खटीक नाम का एक व्यक्ति है, वो हर बार कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों पर उल्टी सीधी दवा बनाकर अपने काम कराता है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मुझे बार बार मेरे को टॉर्चर कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहता रहता है अनाप शनाप। अभी अभी मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि वो 2-4-5 दिन से लगातार कह रहा है कि मैं इस पर फर्जी अरिजन एक्ट लगवा दूंगा मैं अपनी पार्षद से कहकर। भीकम कन्नौजिया, भीकम खटीक जो उसकी लड़की 36 नंबर वार्ड से पार्षद है, वो जाति विशेष गाली गलौज करता एक वीडियो में दिख रहा है और जो 25 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा जी, उनको विशेष नाम लेके गाली गलौज कर रहा है। तो एक छविदार व्यक्ति की जो गाली गलौज करके छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है और पूरी समाज को लेके जो गाली गलौज कर रहा है उसको लेके ज्ञापन दिया है और साहब से बोला भी हमने के इसको जांच में संज्ञान में लेके जांच करा के इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज जनसुनवाई के दौरान जो है ग्वालियर के वार्ड 33 के कुछ व्यक्ति और पार्षद भी उनके साथ शामिल थे, अरुण कुशवाहा, उनके द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी इंद्रगंज को निर्देशित किया गया है कि जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें। कुछ वीडियो वायरल के बारे में आवेदन में लिखा है, उसमें जांच कर उसमें उचित कार्रवाई की जाए।